तो आज हम बात करने वाले स्कूलों के बारे में, जैसे कि पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इस तरह हर तारीफ में एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता, कुछ बच्चे हरामी होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो स्कूलों में दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं, एक जो टॉपर होते हैं जो आगे की सीटों पर बैठते हैं, और उसके अलावा जो बैक बेंचर्स होते हैं जो पीछे वाली सीटों पर बैठते हैं, जो एक नंबर के नालायक होते हैं, जिनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं होता, जो स्कूल आते हैं टाइम पास के लिए, जो स्कूल आते हैं तफरी करने के लिए। तो स्कूल आते हैं सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए, तफरी करने के लिए, शोहर मेला लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, जिंदगी के कुछ पल अच्छे गुजारने के लिए, टीचरों को तंग करने के लिए, इन कामों के लिए लोग स्कूल आते हैं। बहुत चंगा नाम है। और जो बच्चे आगे बैठते हैं जिन्हें हम टॉपर कहते हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, एनी टाइम पढ़ाई में ध्यान, सरों की इज्जत, रिस्पेक्ट, हर काम कंप्लीट करना, होमवर्क करना, स्कूल का काम करना, हर चीज याद करना, प्रॉपर हर तरीके से पूरा सिलेबस लेके चल रहे होते हैं ये लोग। तो इनकी जिंदगी का एक एम होता है, इनकी जिंदगी का एक टारगेट होता है कि हमने बड़ा होना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने प्रोफेसर बनना है, हमने टीचर बनना है, हमने साइंसदान बनना है, मतलब कोई ना कोई हिसाब किताब होता है। उसी हिसाब से ना लोगों की पढ़ाई भी होती है भाई, एनी टाइम पढ़ते लिखते रहना, और पढ़ाई के मामले में जो ना किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते लोग, सबसे पहले इन लोगों के लिए पढ़ाई होती है। शाबाश बेटा। तो आगे वाले बच्चे होते हैं ना, बड़े मासूम होते हैं, शरीफ से, मम्मी डैडी पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाई के अलावा और कुछ पता नहीं, एनी टाइम पढ़ाई वाले। पहले दिन जब लोग स्कूल में आते हैं, सबसे पहला काम होता है सर के आगे इंट्रो देना। टॉपर बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, उनका इंट्रो भी इतना अच्छा होता है, सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरे वालिद का नाम ये है, बड़ा अच्छे तरीके से अपना नाम वाम बता रहे होते हैं वो। पीछे बैठे वाले बच्चे होते हैं ना, जो बैक बेंचर होते हैं, जो एक किस्म के नल्ले निठल्ले नालायक कमीने वमीने जो कुछ बोलते तुम लोग, इन लोगों का जो है ना इंट्रो बड़ा अलग किस्म का होता है। इनका नाम जो ना टेढ़े मेरे, इनके नाम के अलावा जो ना एक्स्ट्रा नाम इनके नाम के आगे होता है। नहीं, मैं नहीं मानता। मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम दिशान है और मैं बैक बेंचर हूं, मेरा नाम सिर्फ दिशान नहीं होगा तो मेरा नाम होगा दिशान पापी। अगर किसी का नाम रहमत है तो उसका नाम रहमत नहीं होगा, रहमत बोरिंग वाला होगा। वाह, क्या सीन है। मतलब हर इंसान का नाम जो है ना उसकी शख्सियत के हिसाब से होगा। किसी ने चश्मा पहना हुआ है तो फिर उसका नाम फैजान है तो वो फैजान बैटरी होगा। अगर कोई सूखा है सही है, उसका नाम जैसे मिसाल के तौर पर जुबैर, तो वो जुबैर सूखी होगा। जब बेइज्जती है। कोई मोटा है उसका नाम आमिर है तो उसको आमिर मोटे के नाम से जाना जाएगा। सही है, आमिर का नाम जो है ना वो बिल्कुल उसकी जिंदगी से हट जाएगा और मोटे का नाम उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। एक तरफ आ गया टॉपर, जो सरों की दिल्ली आ जाए बिल्कुल गरीब, पढ़ाई लिखाई में हर जगह आ गया, सरों का ख्याल रखने में, सरों की गाड़ियां वगैरह ये, वो सरों को कोई भी काम होगा सर इन्हीं लोगों को बोलेंगे। तो एक तरफ होते बैक बेंचर, सही है, जिनको घर वाले स्कूल भेजते हैं इसीलिए कि लोग स्कूल जाए और हम लोग घर पे सुकून की सांस ले सके, हमारी जान छूटे कुछ देर के लिए मनुष्यों से। ये लोग जो ना हमारे सरों के सर का दर्द होते हैं इन टाइम के लिए, सरों के हर अच्छे काम में इनकी उंगली होगी, जान कोई अच्छा काम हो रहा होगा वहां इनकी उंगली होगी, यहाँ तक के सरों की बाइकों से पेट्रोल निकालना, डेक से तोड़ना, पंखे टेढ़े करना, हर कामों में इनका पूरा पूरा हिस्सा होगा। हरामी हो। डेक से टूटने से लेके खिड़की की ग्रिल चोरी होने तक हर काम में बैक बेंचर्स का पूरा पूरा हाथ होता है। तो अब यूं कह लो कि पढ़ाई के अलावा ये हर काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे, नशा पानी, सिगरेट, खाना पीना, रोना धोना, इनका पूरा एक अपना घर होता है ये। तो बात है अगर पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई में एक मम्मी डैडी बच्चे पूरे सालों साल मेहनत करते हैं, पेपरों की तैयारी करते हैं, और इन लोगों का अलग है, ये पूरे साल घूमते फिरते सब कुछ वीआईपी अपना काम काज पूरा करते हैं, और पेपरों से कुछ दिन पहले जो है ना फिर ये नमाजी बन जाते हैं, इन लोगों ने टोपी पहनी होती है, मस्जिद में आना जाना इनका ज्यादा हो जाता है, लोगों को दिन की बातें बता रहे होते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं होती, तो बचा क्या दुआएं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। जहाँ इन लोगों ने पूरे साथ सरों को तंग किया था, सरों का जीना हराम किया था, उनका जीना मुश्किल किया हुआ था, वहाँ पे जो ना आखिरी दिनों में नमाजी परहेजगार बने हुए थे, सरों की मतलब एक एक पुकार में फटाफट पहुंचते हुए जाते, जी सर बोले ये वो, पता है पेपर आने वाले अभी, समझ रहे हो, समझ रहा। जिसे पेपर स्टार्ट होते कर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे टॉपर जिन्होंने पूरे साल की पढ़ाई, और एक तरफ बैठे हमारे बैक बेंचर जिन्होंने पूरे साल की हंसी मजाक तफरी, बस पढ़ाई वढ़ाई तो उन्होंने की नहीं, अब इनका काम चलेगा दुआओं पे। सबसे पहले इनकी कोशिश होती किसी तरह चिटे बेटे अंदर ले जाए, चीटिंग वीटिंग करें, अगर वो ले जाने में कामयाब ना हो तो सबसे पहले कोशिश करते आगे पीछे किसी लड़के वड़के से इधर उधर देख रहे होते हैं कि भाई कुछ मिल जाए करने के लिए, अगर कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये दुआएं तो करके आए भी होते हैं ना भाई। उसके बाद फिर जो सारी पूरे सालों साल की शायरियां और आशिकी और गाने और रैप वैप जो कुछ आता है ना लिख लिख के सब कुछ दे के आ जाते हैं। ओके। इसी तरह सारे पेपर गुजर जाते हैं और एक दिन आते हैं रिजल्ट का दिन, और रिजल्ट के दिन जो टॉपर होते हैं उनका ए ग्रेड, ए प्लस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, और उसके बावजूद भी वो बेचारे मायूस होते हैं, यार 98 आया, ये आया, मेरा तो इतना था, मेरा यूं था। और एक तरफ होते बैक बेंचर, सी ग्रेड में भी अगर पास हो जाए ना तो फुल जशन वशन समा चल रहा था, लाडी है इधर, चलो पास तो ही गए। इसके अलावा बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी स्टोरी है स्कूलों के हवाले से, आगे इंशाल्लाह मौका मिला तो बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।